नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मेरे नाम है 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मुझे जाना जाता है मेमोरी और कैलकुलेटर किंग के नाम से। साथियों, अगर मैं आपको दुनिया की सबसे ज़बरदस्त मेमोरी टेक्निक भी दे दूं, लेकिन अगर आपका माइंड सेट नहीं है या सिंपली मैं बोलूं कि आपका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, तो क्या वो टेक्निक काम करेगी? आपका ब्रेन लो एनर्जी लेवल पर काम कर रहा है तो क्या वो टेक्निक काम करेगी? आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी में वो स्टेमिना नहीं है, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, तो क्या वो पर्टिकुलर टेक्निक काम करेगी? आपको नहीं पता बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, आपको नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कैसे काम लिया जाता है, आपको नहीं पता आपकी सेंसेस की पावर क्या है, तो क्या वो टेक्निक काम करेगी? प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे अच्छी कार भी तभी रफ्तार पकड़ पाती है जब उसे अच्छा रोड मिलता है। ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये आपका वो रोड क्रिएट हो रहा है जिस पे वो मेमोरी की टेक्निक रन करेंगे। दोस्तों, मेरा मकसद आपको आधी अधूरी जानकारी देने का नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है आपको सब कुछ सिखाने का। मेमोरी टेक्निक मैं आपके साथ एक से बढ़ के एक वो सारी सब कुछ शेयर करूंगा जो इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। वो टेक्निक शेयर करने से पहले जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ, आपको ब्रेन को हाई एनर्जी लेवल पे ले जाने के लिए बता रहा हूँ, या आपकी बॉडी में स्टेमिना कैसे आएगा, या बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, ये साइंटिफिक स्टेप है जिन पे हमारी मेमोरी की टेक्निक्स रन करेंगी। पहले आप इन स्टेप को फॉलो करें, उसके बाद मैं एक से बढ़ के एक मेमोरी की टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने इन स्टेप को फॉलो नहीं किया तो यकीन मानिए ये मेमोरी की टेक्निक कुछ भी काम नहीं करने। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने पीरियोडिक टेबल कैसे याद की। ना केवल मैंने पीरियोडिक टेबल याद की है, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ याद किया है और काफ़ी कुछ याद कर सकता हूँ। लेकिन अभी अगर मैं ये शेयर करने लगा कि मैंने पीरियोडिक टेबल कैसे मेमोराइज की, वो सारे सीक्रेट्स या वो मेमोरी की टेक्निक मैंने अभी बता दी, तो ना तो आपको ये समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, और ना ही आपको वो टेक्निक समझ में आएगी। इसलिए जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, इन स्टेप की प्रैक्टिस करते रहिए। सब कुछ शेयर करना है मुझे, कुछ भी अपने पास नहीं रखना, जो इतने सालों में मैंने सीखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए। आप गूगल पर जाके सिर्फ मेरा नाम सर्च करें, हिम्मत भारद्वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता लग जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको सब कुछ सिखाने आया हूँ, आधी अधूरी जानकारी देने नहीं। इसलिए जो मैं बातें कह रहा हूं, अगर आपको अच्छी लगती हैं, साइंटिफिक लगती है, तो उसे फॉलो जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको 6 स्टेप प्रोसेस सिखाया है, माइंडसेट के बारे में, ब्रेन सेट के बारे में, बॉडी सेट के बारे में, आपके टाइम सेट के बारे में, सेंसेस सेट के बारे में, और आपके लोकेशन सेट के बारे में, उसको फॉलो करें। दोस्तों, एक अच्छी बिल्डिंग तभी बनती है जब उसकी नींव मजबूत होती है, और मैं अब आपकी नींव पे काम कर रहा हूं, ताकि आपकी मेमोरी सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।